पाकिस्तान की एक मस्जिद के विच जबरदस्त धमाका होया जिस कारण 17 लोगों की मौत और 50 तो वध लोग जख्मी दसे जा रहे हैं। जानकारी मुताबक पेशावर के पुलिस लाइन इलाके के विच सोमवार दोपहर एक मस्जिद में जोरदार धमाका होया। दसिया जा रहा है कि हमलावर ने नमाज दौरान खुद को उड़ा लिया है। सुरक्षा अधिकारियों मुताबक आत्मघाती हमलावर मस्जिद के विच नमाज के दौरान मोहरली कतार विच मौजूद सी जिसने खुद को उड़ाया। इस धमाके विच 17 लोगों की मौत हो गई है जबकि कई लोग जख्मी दसे जा रहे हैं। हालांकि किया जा रहा है कि मृतकों की गिनती होर बढ़ सकती है। उथे ही कई लोगों की हालत गंभीर दसी जा रही है ते कई लोगों के मलबे हेठा दबे होने का खदशा है। धमाके तो बाद इलाके दे विच एमरजेंसी लगा दी गई है ते फिलहाल पाकिस्तानी फौज ने इलाके की घेराबंदी कर ली है। मीडिया रिपोर्टा मुताबक पेशावर की मस्जिद विच धमाके की आवाज 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। पेशावर पुलिस लाइन विच मौजूद लोगों ने दसिया कि धमाके तो बाद आसमान विच धूड़ ते धुएं दे बदल छा गए। दस दिए कि इस तो पहला पिछले साल दसंबर महीने विच भी पाकिस्तान विच वड्डा हमला होया सी। देश की राजधानी इस्लामाबाद विच फिदायनी हमले दे विच एक पुलिस मुलाजम की मौत हो गई सी। इस तो इलावा कई लोग जख्मी हुए सन। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP साझा।